वेलकम बैक दोस्तों, नई वाली थार रॉक्स और जो है बराबर में है उसी के बाजू में पुरानी वाली थ्री डोर थार। आज जरा सेम कलर जो है सामने सामने खड़े हुए जो है देखने को मिल रहे हैं, तो कंपेयर करूंगा जो है आज आपको बताऊंगा दोनों में जो है देखो कितना डिफरेंस निकल के आता है। अभी तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहे हैं तो देखो वो वाली बात अलग है। यहाँ जो वेरियंट अभी आपके सामने है ये डीजल में 4x4 वाला मैनुअल वाला है, और ये है ये भी टॉप वेरिएंट है, ये भी डीजल में है, यहाँ भी ये भी 4x4 है लेकिन ये ऑटोमेटिक है। तो अभी 4x4 में जो है फाइव डोर की जो है थार की जो है कीमतें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से गैस लगाएं तो आप मान के चलिए 2.5 से 3 लाख इसमें जो है बढ़ सकते हैं, 2.5 तो मान के चलिए बढ़ेंगे अगर 4x4 की जो है यहाँ पर प्राइस आती है। अब देखो दोनों में चेंज क्या हुआ है वो सारा कुछ बताऊँगा। डायमेंशन में कितनी बड़ी हुई है ये वाली जो है यहाँ पे जो है थार इसके कंपैरिजन में, फीचर्स में कितनी जो है ज़्यादा रिच हुई है। तो सबसे पहले देखो एक मोटा मोटा कंपैरिजन करूँ ना, तो ये 4x4 थ्री डोर थार डीजल में जो है ऑटोमेटिक में जो अभी के टाइम में जो आती है ना वो लगभग जो है आपका 17 लाख इसकी जो है 20,000 रुपये एक्स शोरूम रहती है। और इसकी जो है अगर मैं आई नहीं है प्राइस वैसे तो 4x4 फाइव डोर जो है थार की गैस करूँ, रियर व्हील ड्राइव जो है AX7L सामने जो है, जो अगर मैं बात करूँ AX7L जो है यहाँ पे सामने खड़ा है 7L, तो इसकी रियर व्हील ड्राइव की जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्राइस रहती है वो डीजल में जो रहती है लगभग 20.5 लाख। 20.5 लाख में ही आप जो है 2.5 लाख जो है अगर एड ऑन कर देते हैं लगभग मान के चलिए 23 लाख के आसपास जो इसकी प्राइस जाएगी। तो 23 लाख और साथ ही साथ जो है यहाँ पर माइनस अगर आप करते हैं 17,20,000, तो वही जो है यहाँ पे 5.8 लगभग 6 लाख का डिफरेंस आ जाता है। 6 लाख रुपए यहाँ जो वेरिएंट मैंने कंपेयर करे ना डीजल ऑटोमेटिक 4x4 की है दोनों के टॉप एंड वेरिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन में यहाँ पे लेंथ बढ़ चुकी है अच्छी खासी, लगभग जो है 1.5 फुट लंबी जो है यहाँ पे रहती है जिससे कि 5 सीटर बन जाती है। और यहाँ पे व्हील बेस भी बढ़ चुका है, अब जो यहाँ पे व्हील बेस रहता है लगभग 2850 mm का रहेगा, इसमें पहले जो था वो था जो है लगभग जो है 2450 mm का, तो ये इसमें जो है लगभग इजाफा 1 फुट 3 इंच के जो है आसपास हो चुका है यहाँ पे व्हील बेस में। तो ये कुछ डायमेंशन थी, और यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे जो लोग हैं आगे से नहीं जाएंगे इस वाली में, यहाँ से आराम से प्रॉपर जो है यहाँ पे एंटर होंगे। अब ये तो थी डायमेंशन की बात मोटी मोटी, और चौड़ाई भी थोड़ी बड़ी है। चौड़ाई जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नई वाली जो है फाइव डोर थार की, वो जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है 1870 mm की, और ये रहती है 1820 mm की। और इसकी हाइट भी यहाँ पे देखें, इसकी जो है हाइट है लगभग 1923 mm की जो है आपकी इस वाली जो है फाइव डोर की रहेगी हाइट, और इसकी रहती है 1855 mm की। तो हाइट में भी जो है इजाफा हुआ है, थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस वैसे जो है आपका इसमें 19 इंच के टायर तो थोड़ा सा आपका जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, वैसे तो मेरे को सेम लग रहा है। तो ये तो कुछ जो है यहाँ पे डायमेंशन की बातें थी, अब फीचर जान लेते हैं। अब देखो टॉप टू टॉप मैं बात करूंगा सीधे, ये LX वेरिएंट रहता है 4x4 में यहाँ पे ऑटोमेटिक डीजल में, इसका AX7L रहता है ऑटोमेटिक डीजल में 4x4 में। अब इसकी डीजल की प्राइस नहीं आई है, वैसे तो मान के चलिए 2.5 लाख रुपए रियर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक डीजल में आप जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से पता लग जाएगी लगभग 23-23.5 लाख का एक शोरूम में इसका देखने को मिलेगा डीजल ऑटोमेटिक 4x4। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे सबसे पहले टायर पैटर्न देखिए, यहाँ पे अलॉय व्हील्स कुछ इसमें पहले ऐसा मिलता था, यहाँ अब ऐसे मिल रहे हैं। प्रोफाइल जो रहेगी वो रहेगी 255/60R19 की, यहाँ जो रहती थी वही 255/65R18 की, और यहाँ जो है 19 के हैं यहाँ 18 के हैं। और बाकी साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है, लेंथ तो मैंने बताई थी बड़ी है लेकिन ORVMs वही सेम टू सेम रखे हैं, और साथ ही साथ जो है साइड सारी ये चीज़ें सेम है। लेकिन यहाँ देखिए पहले टॉप में हेलोजन मिलता था सारा कुछ, लाइटिंग सेटअप, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते थे, फॉग लैम्प भी हेलोजन में, लेकिन अब पूरे LED हो चुके हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर आ चुके हैं, LED इंडिकेटर, DRLs, फ्रंट में आपकी जो है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे लो और हाई के लिए प्रोजेक्टर LED दे दी है, ग्रिल कुछ ऐसी हो चुकी है जो कि आप देख रहे हैं। दोनों की ग्रिल बताइए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कौन सी अच्छी लगी। तो ये डिफरेंस था। अब यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो कि यहाँ पे है, इसके दरवाजे खोलते हैं तो देखो पूरा एकदम आपको जो है एकदम खुला खुला सा फील होता है, क्योंकि लाइट इंटीरियर है और पूरा 90 डिग्री में दरवाजे खुल रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग ट्रैवल भी करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई घुटन कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। और यहाँ थोड़ा सा जो है यहाँ पे पहले तो इसमें अंदर घुसने में ही थोड़ा सा जो है अजीब सा फील होता था लोगों को, और पीछे दरवाजे कोई विंडो खुलती नहीं थी, और पूरा इंटीरियर कुछ इस तरीके से जो है ब्लैक हुआ करता था।
तो ऐसा कुछ था। बाकी यहाँ पे कहीं भी जो है पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं थे, वो आरबीएम सिलेक्टिकली जो है फोल्ड भी नहीं होते थे, सिर्फ एडजस्ट होते थे। बाकी सीटें वीटें नॉर्मली हाइट एडजस्ट करनी पड़ती थी। फटाफट से बता रहा हूँ मैं ये डिफरेंस, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। बाकी स्टीयरिंग नॉर्मल सा मिलता था, आपका जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता था, कंट्रोल वंट्रोल यहाँ मिलते थे आपके जो है, यहाँ पे एनालॉग में आपका कुछ ऐसा जो है मीटर कंसोल मिलता था, ये छोटी सी स्क्रीन मिला करती थी, और बैक कैमरे भी नहीं था मेरे ख्याल से, बैक कैमरा यहाँ पे जो है लगवाना पड़ता था, और 4x4 ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता था। बाकी हिल डिसेंट विसेंट सारे जो कंट्रोल है ये सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते थे, पीछे कुछ ऐसा ही जाना पड़ता था। और मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, बूट, बूट थी भाई साहब मेन चीज़। यहाँ आपको डिग्गी ही जो है कुछ ऐसा जो है मिला करती थी, आप देख रहे हैं इतनी सी डिग्गी। यहाँ स्पेयर व्हील जो है आपको पूरा एलॉय में मिल रहा है। अब यहाँ से अगर आप आते हैं तो कुछ ऐसी जो है पूरी लाइटें रहती हैं। बाकी अगर आप देखेंगे फ्रंट में भी जो है इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, और जो रियर में भी है वो इसमें डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। आपको जो है इंटीरियर अगर आप दिखाऊं तो थोड़ा सा जो है आपको लाइट सा जो है देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा है पूरा इंटीरियर। तो अब जैसे ही आप जो है एंटर करते हैं ड्राइवर वाले डोर से, तो आपको चारों पावर विंडो इसमें देखने को मिलेंगी, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वायरबियंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ फोल्ड भी हो जाते हैं। 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। स्टेयरिंग जो है अब बहुत ही स्मूथ हो चुका है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, इस पर कंट्रोल्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस वेरियंट से ही दे रही है इसमें जो है कंपनी, और पूरा डिजिटल क्लस्टर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाइपर है, 10.25 इंच की ये स्क्रीन मिल जा रही है, बहुत ही स्मूथ 360 डिग्री कैमरे के साथ में, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ये वायरलेसली मिलेगा, वायरलेस जो है उसमें चार्जर मिल जाएगा आपको, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, साथ में इतनी बड़ी जो है स्टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, साथ ही साथ लाइट इंटीरियर के साथ में बहुत ही सही कॉम्बो है यहां पर, और यहां पे रियर एसी वेंट भी आपको प्रॉपर देखने को यहां पर मिल रहा है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में आपके जो है लेवल 2 एडास के सारे फीचर्स रहते हैं, तो सामने लिखे हुए हैं, तो इसमें एडास भी रहेगा लेवल 2 का, और सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी फीचर जो कि सामने हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो है डिफरेंशियल लॉकिंग और क्रॉलिंग वाला बहुत ही शानदार सा ऑफ रोडिंग में जो है यहाँ पर जो इसमें चीज़ दे रखी है। बाकी कैमरे अगर क्वालिटी की बात करें इस स्क्रीन की, कैमरे की, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कंपेयर अगर आप जो है पुरानी 3-door से करते हैं, अब है तो महंगी लेकिन फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे दे रखे हैं। और बाकी ये सारा कुछ जो सिस्टम रहता है, ग्लव बॉक्स जो है अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है इस बड़े वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट में बड़ा ही मिलेगा आपको, और कूल्ड वाला है ये। बाकी स्लाइडिंग वाला आपको जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट कुछ ऐसे स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है। तो जैसे ही 3-door से 5-door में आते हैं तो यहाँ हर जगह आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। आपको ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने को मिलेगा। तो ये था जो है इसका इंटीरियर। अब रियर में चलते हैं, तो यहाँ बूट में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बूट आपको जो है अच्छा खासा लगभग 443 लीटर का जो है यहाँ पे स्पेस के साथ में मिलता है, और यहाँ पे आपको 6+2 जो है यहाँ पे पूरा हरमन गार्डन का सेटअप मिलेगा सब वूफर के साथ में, तो टोटल 8 स्पीकर यहाँ पे जो है यहाँ पे सारा कुछ सब वूफर के साथ में यहाँ मिलने वाले हैं। अब इसके बाद जो है बात आती है यहाँ पे इंजनों की। देखो इंजन में दोनों में जो है यहाँ पे डीजल 2.2 लीटर एमहॉक में है, और यहाँ पे पेट्रोल 2 लीटर जो है एम स्टेरियन में, लेकिन यहाँ जो पहले पावर थी यहाँ पे थार जो है यहाँ पे 3-door में यहाँ पे डीजल में ऑटोमेटिक में लगभग 130 BHP 300 Nm टॉर्क के साथ में थी, लेकिन अब जो यहाँ पर मिल रही है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे डीजल में लगभग जो पावर आपको मिलेगी 172 BHP की मिलेगी 370 Nm टॉर्क के साथ, और साथ ही साथ ये जो है टॉप एंड वेरिएंट में पावर है, पेट्रोल में जो पावर है 174 BHP की 380 Nm टॉर्क के साथ में नहीं वाली 5-door थार में रहेगी, जो कि पहले 160 BHP की 320 Nm टॉर्क के साथ में ऑटोमेटिक में यहाँ पर जो है पहले वाली थार में थी। तो मतलब यहाँ ऑटोमेटिक वेरिएंट में जो है टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ा सा जो है यहाँ पे पावर बढ़ जाती है, चाहे वो जो है यहाँ पे डीजल हो या फिर जो है पेट्रोल हो। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, क्विक कंपैरिजन 3-door थार और 5-door थार के बीच में। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।